देखिए माझी जी के बयान पे मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, पर क्योंकि इस दौरान मैंने कई अनुसूचित जाति संगठनों से मैंने बातचीत की, पार्लियामेंट में कई सांसदों से मैंने बातचीत की, और संभवतः आने वाले दिनों में अनुसूचित जमात समाज से आने वाले सांसदों के साथ एक सर्वदलीय बैठक भी हम लोग करेंगे। ऐसे में मैंने इस बात को प्रमुखता से तब भी कहा था, पुनः एक बार दोहराता हूँ कि इसमें जो ये ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट के आए हैं, इसमें कहीं पर भी अनटचेबिलिटी शब्द का जिक्र भी नहीं है। अगर आप 550 पन्नों से ज़्यादा का ये जो ऑब्जर्वेशन आया है उसमें अगर आप टिप्पणियों को पढ़ेंगे तो कहीं पे भी अनटचेबिलिटी के शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया, जबकि अनुसूचित जाति ये वो कास्ट हैं जिनको स्केड्यूल किया गया है भारत के संविधान में, जिनका आधार ही छुआछूत रहा, जिनको समय समय पर सिर्फ और सिर्फ छुआछूत की वजह से गांव से बाहर रखा गया, इनको छूना पाप माना गया, इनको देखना तक पाप माना गया, ये वो जातियां हैं। तो ऐसी जातियों में क्रीमी लेयर का प्रावधान संभव ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आज भी ऐसे उदाहरण हैं जहां पे एक दलित युवक को घोड़ी चढ़ने पर रोका जाता है। हाल फिलहाल का उदाहरण, एक IPS ऑफिसर ने सिक्योरिटी की डिमांड की ताकि वो घोड़े पे चढ़कर अपनी बारात को लेकर जा सके, और मैं नाम लेना नहीं चाहूंगा, बट जो लोग इन प्रावधानों का समर्थन कर रहे हैं ये वही लोग हैं जो जब मंदिर गए थे तो इनके बाहर आने के बाद मंदिर को गंगा जल से धुलवाया गया था। अगर एक पूर्व मुख्यमंत्री, उससे बड़ा कौन भैया, अगर उसके साथ भी आज की तारीख में भी छुआछूत होता है तो इसका आधार, डिस्क्रिमिनेशन का आधार सिर्फ और सिर्फ अनटचेबिलिटी है। इसमें क्रीमी लेयर का कोई प्रावधान संभव नहीं है।